आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। आज कवर करेंगे हम सभी 12 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज संडे है तो सभी का दिन आज का बहुत अच्छा हो और क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना है। मात्र 10 से 12 मिनट पढ़ाएंगे और ये 10 से 12 मिनट एकदम दिल से, ताकि क्वेश्चन करो क्लास में ही कवर हो जाए, दिमाग में आ जाए, कोई टेंशन आपको ना हो, ठीक है। और इसका सारा पीडीएफ रिविजन के तौर पर, हालांकि क्लास देखने के बाद ना रिविजन करने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रिवीजन करने के लिए एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन दिल दिमाग में बैठ जाएगा। इसका सारा पीडीएफ ना आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर डेली मैं डाल देता हूं। तो क्लास को स्टार्ट करवाते हैं बिना देरी किए हुए, और पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट। कोरोना फैला था, वैक्सीन सारा देश बनाया, भारत ना जानवर के लिए वैक्सीन बनाया है, और ये पहला वैक्सीन है जो जानवरों के लिए बनाया गया भारत के द्वारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जानवरों के लिए भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है, सीधा ये पूछेगा। और आप क्या बोलिएगा, एनोकोवैक्स, ऑप्शन नंबर हमारा ए। जानवर के लिए बनाया गया वैक्सीन का नाम क्या है, एनोकोवैक्स, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, फियरलेस गवर्नेंस, ये एक पुस्तक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसको लिखा गया है किरण बेदी के द्वारा। एग्जाम में ये भी पूछेगा, हाल फिलहाल में किरण बेदी जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, फियरलेस गवर्नेंस, ये किताब लिखा गया है किरण बेदी, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस देश ने यह बोल दिया है ना, जो मृत्यु दंड है वो जरूरी नहीं है, उसको समाप्त कर दो। ऐसा कौन बोला है कि जो भी मृत्यु दंड है ना वो जरूरी नहीं है, उसको समाप्त कर दिया जाए, ऐसा बोलने वाला देश कौन सा हो गया है, मलेशिया। मलेशिया बोल दिया है, विच नेशन हैज एबोलिश्ड मैंडेटरी डेथ पेनल्टी, मलेशिया, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य सरकार ने यंत्र सेवा योजना शुरू की है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ट्रैक्टर और क्या हार्वेस्टर के वितरण को हरी झंडी दे दिया गया है यंत्र सेवा योजना के तहत, और ये स्टार्ट करने वाला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। हर क्वेश्चन याद है ना, बताओ अभी मुंह जवानी सब क्वेश्चन याद है। पहला वैक्सीन जानवर के लिए भारत के द्वारा, एनोवैक्स। मृत्यु दंड समाप्त करने वाला देश, मलेशिया। फियरलेस गवर्नेंस किताब लिखने वाले व्यक्ति का नाम किरण बेदी। यंत्र सेवा योजना स्टार्ट करने वाला सरकार आपका आंध्र प्रदेश, एकदम 10 मिनट दिल से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस देश के साथ भारत ने अपराधों की जांच करने के लिए क्या किया है, हाथ मिलाया है। मान लो हम एक देश है, आप एक देश है, इन दोनों देश के बीच में जितना भी अपराधी कारनामा हो रहा है ना, उसका जांच पड़ताल करने के लिए दोनों देश ना एक दूसरे का सहयोग करेगा। इसके लिए भारत सरकार जो है ना पोलैंड सरकार के साथ क्या हाथ मिलाई है, ताकि इन दोनों देश के बीच में जो भी अपराध हो रहा है उनको रोका जा सके। क्वेश्चन क्लियर ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार, सुनना क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सुनना, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश आया है। विदेशी निवेश का मतलब वही FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें भारत का स्थान पूछा है क्या, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में स्थान पर है, अच्छा इसमें भारत कितने नंबर पर है। तो पहला बात तो याद रखिएगा, इस संगठन के रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का स्थान है FDI के मामले में वो दूसरा है, दूसरा बोलो सातवां है, भारत का स्थान कितना है, सातवां। यानी दुनिया भर में जो विदेशी निवेश आया है उस मामले में भारत कितने नंबर पर है, सात नंबर पर है। तो भैया सबसे ज्यादा विदेशी निवेश कहां पर आता है, सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां पर आता है, एक नंबर पर कौन है इस रिपोर्ट में, तो एक नंबर पर अमेरिका है, USA। क्लियर क्वेश्चन, क्लियर ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन समझना ये वाला ध्यान से, आप सभी लोग ध्यान से समझना। बोला है किया.ai इस संस्था के द्वारा
लॉन्च किया गया भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स का नाम बताइए। और बोलेंगे भैया बैंकिंग मेटावर्स क्या है बाबू? वर्चुअल तरीका, डिजिटल तरीका, ऑनलाइन तरीके से ना एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म खोला गया है। जैसे भैया देखो, मान लो जैसे आप स्टेट बैंक जाते हो, तो स्टेट बैंक जाते हैं, पंजाब नेशनल बैंक जाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा जाते हैं, तो ये बैंक दिखाई देता है। लेकिन मेटावर्स का मतलब डिजिटल तरीका में, वर्चुअल तरीका में, जो दिखता नहीं है लेकिन फिर भी एक बैंकिंग है, ठीक है। ऐसा लॉन्च करने वाला कंपनी कौन है? Kia.ai। तो भैया ऐसा कौन सा बैंकिंग प्लेटफॉर्म खोला गया है वर्चुअल तरीका में? उस बैंकिंग प्लेटफॉर्म का नाम है कियावर्स। क्लियर क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, के तहत लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनजे ओझा को, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? चेन्नई के पास मामलापुरम में आयोजित होने वाला 44वां शतरंज प्रतियोगिता, ओलंपियाड, सबसे बड़ा चेस के मामले में, चेस के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रतियोगिता ओलंपियाड चेस को लेकर, जिसका आयोजन कहां पर होने वाला? चेन्नई में। यह कौन सा है संस्करण? 44वां है। इसमें, इस प्रतियोगिता में मैस्कॉट कौन रहने वाला है? तो थंबी, देख रहे हैं, यही मैस्कॉट है बाबू इस बार का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा जल प्रबंध के लिए ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो रामकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका करेंट अफेयर, कब का? 12 जून का। इसका सारा पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम के ऊपर, रिवीजन कर लेना। हालांकि रिवीजन करने का जरूरत नहीं है, यही 8 से 10 मिनट दिल लगाकर पढ़ना है बाबू। करेंट अफेयर में क्वेश्चन बिल्कुल ना छूटेगा। और 3 से 4 दिन के अंदर ना, इसी हफ्ता में रात को 11:30 बजे ना करेंट अफेयर के रिवीजन के तौर पर टेस्ट स्टार्ट करेंगे। टेस्ट का मतलब भैया, मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूं ना कि 2021 और 22 का जितना भी करेंट अफेयर है उसके जो बेहतरीन क्वेश्चन है उसका टेस्ट स्टार्ट करेंगे। पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा सेट, चौथा सेट, पांचवा सेट, हर सेट में अपने आप को जज करना है, ऐसे ना कि करेंट अफेयर में कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ मम्मी पापा ख्याल रखिएगा और देश का भी, ठीक है। जय हिंद।